सो ठीक है, चलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया वो किस किस बेसिस पे लिया है और क्या क्या मैंने, तो सारा चीज में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसलिए छोटी सी वीडियो है, आप देखिए डेली ब्लॉग ऐसे ही आएंगे और दोस्तों इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मतलब मैंने कैसे कैसे ट्रेड लिया है। तो चलिए मैं स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ। सो गाइस, जो सबसे पहला मैंने जो ट्रेड लिया था वो मॉर्निंग का ट्रेड लिया था। तो गाइस, जो मॉर्निंग का ट्रेड है मैंने यहाँ पे लिया था गाइस, जो ये ब्रेक था वो मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ तक कैप्चर किया। और जैसे ही मैंने दोस्तों, जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो एक मिनट में लेता हूँ और एग्जिट भी मैं एक ही मिनट में करता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मुझे सपोर्ट एक्टिविटी दिखने लगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया। और जो दोस्तों गाइस यहाँ पे सेकंड ट्रेड था, तो सेकंड ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया। तो दोस्तों चलिए दिखाता हूँ कि किस बेसिस पे लिया। तो गाइस मैंने यहाँ पे डाइवर्जन के बेसिस पे लिया। दोस्तों अगर आप मानेंगे तो ऑप्शन जो चार्ट होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू ये स्पॉट चार्ट, क्योंकि दोस्तों मैं ऑप्शन चार्ट ज्यादा एनालिसिस करता हूँ कि क्या पोजिशन कैसा क्या यहाँ पे हो रहा है। सो गाइस आप देख सकते हो, चलिए मैं यहाँ पे भी 1 मिनट का यहाँ पे चार्ट लगा लेता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि गाइस क्या होता है। तो देखिए, अब मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया गाइस, ये देखो ये यहाँ पे इस वाली कैंडल में मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। तो गाइज ये 1:11 की कैंडल है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि 1:11 के कैंडल पे कैसे हुआ। तो गाइज आप देखेंगे साफ, आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन यहाँ पे दिखेगा आपको कि जो ये वाला आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आप देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे कितना डाउन आया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, बाइंग हो रहा था, जो जो सीई था वो बाइंग हो रहा था। तो मैंने इस वाले ब्रेक पे यहाँ पे एंट्री ली और अच्छा खासा यहाँ तक का टारगेट लिया। उसके बाद गाइज मैं थोड़ा होल्ड किया था, तो लेकिन गाइज मैं इस वाले यहाँ पे इतना बड़ा जब कैंडल नहीं मिला तो मैं यहाँ पे निकल गया, क्योंकि गाइज कोई भी मार्केट में 100% नहीं, मैं आपको रियलिटी बता के चलूँ। तो ऐसे करके मैंने 2 ट्रेड लिए, बस एनफ है। अब इतना सारा चीज़ अब आप सोचोगे कि मैं पकड़ लूँ, कि मैं ये भी ट्रेड पकड़ लूँ, मैं वो भी ट्रेड पकड़ लूँ, तो यार गाइज देखो कोई यहाँ पे गॉड नहीं है कि जो सारे ट्रेड पकड़ सकता है। आपको सिंपलिसिटी बताऊं, कोई भी स्ट्रेटजी यहाँ पे आप कोई भी नहीं पकड़ सकते, इतने सारे ट्रेड। अब तो आप बोलोगे कि यार यहाँ पे भी ले लिया रहता, यहाँ पे निकल गया रहता, लेकिन गाइज मैं किस बेसिस पे लूंगा, यहाँ पे मैंने किस बेसिस पे लिया है कि यहाँ पे बार बार मार्केट सेलर पुश कर रहा है। आप देख रहे हो इतनी बड़ी कैंडल बन रही, फिर बायर ले जा रहा है, फिर इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, मतलब फिर यहाँ से बायर लेगा जाएगा। तो इस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया है गाइज, ऐसे नहीं कि कुछ भी हवाबाजी में ट्रेड लिया। अब कई लोग बोलेंगे यहाँ पे शॉर्ट कर दो, अरे भाई मैं वहाँ पे शॉर्ट किस बेसिस पे करूँ, क्या पता ये मार्केट नीचे आके इतना ऊपर आया फिर ऊपर यहाँ से मतलब यहाँ पे ब्रेक कर दे, तो ऐसे करके, क्योंकि ये लेवल ज्यादा बार टेस्ट हो गया है, तो जो लेवल ज्यादा बार टेस्ट होता है वो वीक होते जाता है। तो बताइए दोस्तों वीडियो कैसे लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।